लेखा शास्त्र 12 अध्याय 6 भाग 3 संपत्तियों का स्पष्टीकरण। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 1, गैर चालू संपत्तियाँ क्या हैं? उत्तर, वे संपत्तियां जिन्हें चालू संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जैसे ए स्थायी संपत्तियां, ब गैर चालू विनियोग, स स्थगित कर संपत्तियां, द दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम और ई अन्य गैर चालू संपत्तियां हैं। प्रश्न 2, स्थायी संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, वे संपत्तियां जो व्यवसाय में निरंतर उपयोग में आती है, जिन्हें विक्रय करने के लिए नहीं रखा जाता है, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। प्रश्न 3, स्थायी संपत्तियों के वर्गीकरण में कौन सी संपत्तियां आती है? उत्तर, 1 मूर्त संपत्तियां, 2 अमूर्त संपत्तियां, 3 पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है, और 4 अमूर्त संपत्तियां जो विकास की दशा में है। प्रश्न 4, मूर्त संपत्तियां क्या है? उत्तर, मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो भौतिक रूप से देखी और छुई जा सकती है। प्रश्न 5, मूर्त संपत्तियों के वर्गीकरण में किन्हें शामिल किया जाता है? उत्तर, 1 भूमि, 2 भवन, 3 संयंत्र और उपकरण, 4 फर्नीचर एवं साज सज्जा, 5 वाहन, 6 कार्यालय उपकरण और 7 अन्य को मूर्त संपत्तियों में शामिल किया जाता है। प्रश्न 6, अमूर्त संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, वे संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है तथा जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता है। प्रश्न 7, अमूर्त संपत्तियों के वर्गीकरण में कौन सी संपत्तियां शामिल हैं? उत्तर, 1 ख्याति, 2 ब्रांड एवं व्यापारिक चिन्ह, 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 4 मास्ट हैंड एवं प्रकाशन अधिकार, 5 खनन अधिकार, 6 प्रतिलिपि अधिकार, 21 बौद्धिक अधिकार, सेवाएं एवं संचालन अधिकार, 7 डूस के फार्मूला डिजाइन एवं मूल रूप, और 8 लाइसेंस एवं फ्रेंचाइज। प्रश्न 8, पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है से क्या आशय है? उत्तर, पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है से आशय ऐसी स्थायी पूंजीगत संपत्तियों से है जो निर्माणाधीन है, जैसे भवन, संयंत्र एवं उपकरण आदि। प्रश्न 9, अमूर्त संपत्तियों को विकास की दशा में हैं क्या है? उत्तर, ऐसे पेटेंट, एकस्व आदि जिन पर कार्य जारी है। प्रश्न 10, गैर चालू विनियोग क्या हैं? उत्तर, 1 वर्ष से अधिक अवधि के विनियोग जिन्हें कंपनी में बेचने के लिए नहीं अपितु अपने पास रखने के लिए विनियोग किया है। प्रश्न 11, गैर चालू विनियोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, गैर चालू विनियोगों को व्यापारिक विनियोग व अन्य विनियोगों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 12, गैर चालू विनियोगों में व्यापारिक विनियोग क्या है? उत्तर, एक कंपनी द्वारा अपने व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिए अन्य कंपनी के अस्वाध्य ऋण पत्रों में किया गया विनियोग व्यापारिक विनियोग कहलाता है। प्रश्न 13, अन्य विनियोग क्या है? उत्तर, व्यापारिक विनियोगों को छोड़कर शेष सभी विनियोग अन्य विनियोग कहलाते हैं। प्रश्न 14, अन्य विनियोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, 1 संपत्ति में विनियोग, 2 संपदा प्रपत्रों में विनियोग, 3 सरकार अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में विनियोग, 4 पूर्वाधिकार अंशों में विनियोग,
पाँच ऋण पत्रों या बैंड्स में विनियोग, छः म्यूचुअल फंडों में विनियोग, सात साझेदारी फर्मों में विनियोग और आठ अन्य गैर चालू विनियोग में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 15, संपत्ति में विनियोग क्या है? उत्तर, वह भूमि एवं भवन जिसे मूल्य वृद्धि या किराया अर्जित करने के उद्देश्य से रखा गया है, जिसे माल के उत्पादन, पूर्ति, सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों और व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान विक्रय के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न 16, चालू विनियोग को किस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा? उत्तर, लागत मूल्य पर मूल्यांकित न किए गए विनियोगों को इनके ताज़ा मूल्यांकन के आधार सहित अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न 17, गैर चालू विनियोगों में और किन बातों का प्रकटीकरण किया जाएगा? उत्तर, एक, स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित विनियोग एवं इनका बाजार मूल्य, दो, स्टॉक एक्सचेंज पर न सूचित विनियोगों का मूल्य और तीन, विनियोगों के मूल्य में कमी के लिए आयोजन का प्रकटीकरण किया जाएगा। प्रश्न 18, स्थगित कर संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, स्थगित कर संपत्तियां उस समय उत्पन्न होती है जब लेखांकन आय करयोग्य आय से कम होती है। उदाहरणार्थ, लेखांकन आय की गणना करते समय डूबत ऋण आयोजन की राशि को घटाया जाता है, जबकि कर के योग्य आय की गणना करते समय डूबत ऋण आयोजन को व्यय न मानकर वास्तविक डूबत ऋण को ही व्यय माना जाता है। परिणामतः लेखांकन आय कम हो जाती है। प्रश्न 19, दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम क्या है? उत्तर, ऐसे ऋण एवं अग्रिम जिनकी स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह के अंदर वापस प्राप्त होने की संभावना नहीं है। प्रश्न 20, दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्तर, एक, पूंजीगत अग्रिम, दो, जमानती जमा और तीन, अन्य ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रश्न 21, पूंजीगत अग्रिम क्या है? उत्तर, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए दिए गए अग्रिम पूंजीगत अग्रिम कहलाते हैं। ये अग्रिम नगद राशि में प्राप्त नहीं होते हैं अपितु स्थायी संपत्ति के रूप में परिवर्तित होते हैं, अतः इन्हें दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 22, जमानती जमा क्या है? उत्तर, स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह से अधिक की अवधि के लिए दी गई जमानत राशि जमानती जमा शीर्षक में आती है, जैसे बिजली और टेलीफोन के बिल के लिए दी गई जमानती राशि। प्रश्न 23, अन्य गैर चालू संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, एक, दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्य और दो, अन्य आदि। प्रश्न 24, दीर्घकालीन व्यापारिक प्राप्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? उत्तर, एक, ए, सुरक्षित जो अच्छे माने गए हैं, ब, असुरक्षित जो अच्छे माने गए हैं और स, अन्य, दो, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक में अलग से दिखाया जाएगा, तीन, कंपनी के संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय राशियों को अलग से दर्शाया जाएगा। प्रश्न 25, चालू संपत्तियां किसे कहते हैं? उत्तर, वे संपत्तियां जो क्रय करने की तिथि से 12 माह के अंदर नकदी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखी जाती है, वे चालू संपत्तियां कहलाती हैं। प्रश्न 26, चालू संपत्तियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? उत्तर, एक, चालू विनियोग, दो, स्टॉक, तीन, व्यापारिक प्राप्यताएं, चार, नगद एवं नगद तुल्य, पाँच, अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम और छः, अन्य चालू संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रश्न 27, चालू विनियोग क्या हैं? उत्तर, वे विनियोग जिन्हें क्रय करने की तिथि से 12 माह के अंदर नकदी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखा जाता है, चालू विनियोग कहलाते हैं। प्रश्न 28,
चालू विनियोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, चालू विनियोगों को एक, सप्ताह प्रपत्रों में, दो, पूर्वाधिकार अंशों में, तीन, ऋण पत्रों तथा बांड्स में, चार, सरकारी तथा ट्रस्ट में, पाँच, म्यूचुअल फंडों में, छः, साझेदारी फंडों में, सात, अन्य विनियोग में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रश्न 29, स्टॉक को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? उत्तर, एक, कच्चा माल में, दो, अर्धनिर्मित माल में, तीन, निर्मित माल में, चार, व्यापारिक रहित या व्यापार के लिए क्रय किया गया स्टॉक में, पाँच, स्टोर्स तथा स्पेयर्स में, छः, छोटे औजार में, सात, मार्ग में माल। स्टॉक के अंतर्गत अलग उपशीर्षक में दर्शाया जाता है। आठ, स्टॉक के मूल्यांकन की तिथि को स्पष्ट करना आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 30, व्यापारिक प्राप्यताएं क्या हैं? उत्तर, व्यापार के सामान्य संचालन के दौरान माल विक्रय या सेवाएं प्रदान करने से प्राप्य व्यापारिक प्राप्य कहलाते हैं। इनमें प्राय 12 माह के अंदर वसूल होने वाले देनदारों एवं प्राप्य बिलों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 31, व्यापारिक प्राप्यताएं किस प्रकार दर्शाई जाती है? उत्तर, एक, नूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन को उचित शीर्षक से दिखाया जाएगा। दो, कंपनी संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से देय राशियों को पृथक से व्यापारिक प्राप्यताओं में दर्शाया जाएगा। प्रश्न 32, नगद एवं नगदी तुल्य क्या हैं? उत्तर, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों में, ए, बैंक शेष, बी, कंपनी के पास चेक ड्राफ्ट, सी, नगद शेष व डी, अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दो, बैंक के पास निश्चित उद्देश्य के लिए जमा राशि को अलग से दिखाया जाता है। तीन, 12 माह से अधिक परिपक्वता अवधि के बैंक डिपॉजिट को पृथक से दिखाकर नगद या नगद तुल्यों में वर्गीकृत किया जाएगा। चार, बैंकों के पास ऋणों, गारंटी या अन्य वचनबद्धताओं आदि के लिए रखी गई जमानत राशि को अलग से दिखाया जाएगा। प्रश्न 33, अन्य चालू संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, इस शीर्षक में वे सभी चालू संपत्तियां शामिल हो जाती है जो अन्य किसी शीर्षक में शामिल नहीं की जा सकती है, जैसे पूर्वदत्त व्यय, आपूर्ति दातुओं को अग्रिम, निवेश पर अर्जित ब्याज, अग्रिम कर आदि। प्रश्न 34, आकस्मिक दायित्व क्या है? उत्तर, ये वे दायित्व हैं जो वर्तमान में दायित्व नहीं है परंतु जिनका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर आधारित होता है, अर्थात ऐसा दायित्व जिसका होना निश्चित नहीं है। प्रश्न 35, क्या आकस्मिक दायित्व की राशि को चिट्ठे के योग में शामिल किया जाता है? उत्तर, नहीं, इसके योग को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे योग लेखांकन की टिप्पणी शीर्षक में चिट्ठे के नीचे दिखाया जाता है। प्रश्न 36, लेखांकन की टिप्पणी शीर्षक में किन आकस्मिक संयोगिक दायित्वों को दिखाया जाता है? उत्तर, एक, कंपनी के विरुद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें कंपनी ने अब तक देना स्वीकार नहीं किया है। दो, कंपनी द्वारा कोई गारंटी ली हुई हो तो उसके अंतर्गत दायित्व, और तीन, अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी संभाव्य रूप से उत्तरदायी है आदि। प्रश्न 37, वचनबद्धता क्या है? उत्तर, भविष्य में किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कार्य को करने का अनुबंध वचनबद्धता कहलाती है। प्रश्न 38, वचनबद्धताओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, एक, उन ठेकों की अनुवांछित राशि को जो अभी अपूर्ण है और जिनके लिए अभी कोई आयोजन नहीं किया गया है। दो, आंशिक चूकता अंशों पर न मांगी हुई याचनाओं की राशि यदि किसी कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के आंशिक चूकता अंश विनियोगों के रूप में क्रय किए हैं तो इन अंशों पर न मांगी गई राशि कंपनी के लिए वचनबद्धता है, क्योंकि ये राशि कभी भी चुकानी पड़ सकती है। तीन, अन्य वचनबद्धताओं में पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बकाया राशि भी
गणना कर वर्गीकृत की जाती है। धन्यवाद।